जितने भी दलितों पर आज तक अत्याचार हुए हैं आप उठा कर देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रही है वहाँ जितने भी दलितों पर अत्याचार किए गए वो सारे के सारे, एक दो केसों को मैन अच्छे केसों को छोड़कर सारे के सारे बरी किए गए हैं या दो चार साल जेल में रखकर उनका अच्छा रिकॉर्ड दिखाकर उन्हें जेल से बाहर निकालने का काम किया। अब ये आनंद मोहन जो हैं ये MP रहे थे और बीजेपी के आदमी हैं, आपको मैं बताऊं, और इन्होंने एक DM दलित DM का मर्डर किया था, उसमें इनका पूरा पूरा हाथ था, आज उन्हें बरी करने का काम कर रहे हैं। साथियों ऐसे ही UP में उस लड़की की हत्या की गई, रेप किया गया, सबको बरी कर देगा, एक एक आदमी को केवल एक्यूज बनाया गया। साथियों गुजरात में एक रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनमें सबको छोड़ दिया गया। आप पीछे देखोगे ये सरकारों के द्वारा ये बढ़िया काम नहीं किए जा रहे हैं, कोर्ट ने सजा सुनाई, सरकारों ने बरी कर रही है, कोर्ट अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं। ये आने वाले समय में नासूर बन जाएंगे और ये किसी के नहीं होते हैं, जो बदमाश होते हैं या जो मर्डरी होते हैं या देश को नुकसान पहुंचाने वाले, ना तो इन्हें देश से प्यार होता है ना देश की जनता से प्यार होता है, इन्हें केवल अपने आप से और अपने परिवार से प्यार होता है और देश के डेवलपमेंट में इनका कोई योगदान नहीं होता। गलती उनकी है जो ऐसे लोगों को जिताकर विधानसभा या लोकसभा में लेके आते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट ना दें और माफियाओं को तो खासकर बिल्कुल वोट ना दें। साथियों वक्त आ चुका है संभलने का। आप यदि देश से प्यार करते हैं, बाबा साहब के संविधान से प्यार करते हैं, तो उस संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहते हैं और इस देश में कानून को स्थापित, कानून का राज चाहते हैं, तो आप ऐसी सरकारें ना लेकर आएँ, ऐसे लोगों को वोट ना दें, ऐसी सरकारों को तो बुरकन ना लेकर आएँ जो बदमाशों को और जो टेररिस्टों को जो आतंकवादियों को इनको छोड़ने का काम कर रही है। जो आप बताइए ये समाज में आतंक फैलाते हैं, ये अंदर के आतंकवादी हैं, ये अंदर के टेररिस्ट हैं, इन ये जब तक समाज में रहते हैं तो समाज के लोग अपने आप को सेफ नहीं करते मानते, अपनी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं महसूस होती, ये उनका रेप करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उन्हें मारते हैं, मर्डर करते हैं और फिर ये जेल जाकर भी पूरी राजशाही ठाट इनके अंदर रहते हैं। एक अधिकारी के मर्डर में इतनी सजा माफ हो जाएगी तो एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा बिहार में? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है लैंडमार्क कि उम्र कैद का मतलब है कि जब तक वो अंदर ना मर जाए पूरी उम्र काटेगा अंदर ही रहेगा, तो ये बीच में कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों को निकालने का काम करते हैं, पैसे खाते हैं सरकारें और बदमाश लोगों को लेकर आते हैं। आप ये बताइए ये आँखों देखी पूरे देश के अंदर जो अन्याय की बात चल रही है, अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, लोगों के साथ रेप हो रहा है, लोगों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और चोरी और सीना जोड़ी, सरकार पूरा साथ दे रही है, राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, गुंडे इन्वॉल्व हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो इन्हीं के हैं, इनके जो दल हैं अपने, वो हिंदुओं से रिलेटेड जितने दल हैं वो इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए ये देश रहने लायक है या क्या बताइए? अपने हिसाब से रूल चेंज करते हैं, किसी आदमी को बाहर निकालने के लिए रूल चेंज कर दिया, एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ है कि जो आजीवन कारावास का मतलब है कि पूरे आजीवन अंदर ही काटेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा, तो ये बीच में इन्हें निकालने का क्या मतलब है? इन्हें तो अंदर ही रहना चाहिए, सबक मिलेगा समाज के लोगों को, नए बदमाशों को सबक मिलेगा। पूरे देश में केवल बहन कुमारी मायावती जी को छोड़कर और किसी ने कोई कमेंट या किसी ने कोई बात नहीं कही, सारे नेता कांग्रेस हो, BJP हो या RJD हो या आपकी लालू यादव की पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, किसी भी नेता ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, केवल बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये सही नहीं है, ये गलत एक परंपरा को दी, वो गरम गलत परंपरा डाली जा रही है कि आप बदमाशों को अंदर से जेल में से निकाल ले, इनसे समाज और भयभीत होगा और देश सुरक्षित नहीं होगा। साथियों इन दलितों को और OBC वालों को सोचना चाहिए कि आपकी बहन बेटियों के साथ में रेप किया जा रहा है, आपके अधिकारियों को मारा जा रहा है, आपकी जमीन जायदाद छीनी जा रही है, आपको आपके साथ सारे काम किए जा रहे हैं, फिर भी वो जेल में कुछ दिन रह के फिर छोड़ दिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को समाज में वोट क्यों दे रहे हो? क्यों ना बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्यों ना BSP को ऊपर लेके आए, आप क्यों भटक रहे हो? साथियों इधर उधर बिल्कुल मत भटको, मत BJP को दो, किसी पार्टी को वोट मत दो, केवल बहन कुमारी मायावती जी BSP सरकार को वोट देकर सत्ता में लाने की कोशिश करें। साथियों लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू तो करें सब काम जो ध्यान रख रहे हैं, वो सब गलत हैं, सारे स्टेटमेंट गलत हैं, सब बेकार की बातें हैं। जो मेन बात है वो ये है कि दलितों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, इन्हें दबाने का काम किया जा रहा है, आज पढ़ लिख कर जो युवा ऊपर आ रहा है उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको स्वास्थ्य खराब करा जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है, ये सब लोगों को सोचने की बात है। साथियों आपको नशे में लगाकर आपकी प्रॉपर्टी तक भी बेच दी जा रही है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बहुत सारे नेता हैं दलित,
उन्होंने कोई भी बात नहीं उठाई है, बहन जी को बात उठानी पड़ी है। कहाँ गए बिहार के दलित नेता? जितने भी दलित नेता हैं सब किसी ना किसी ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने उनके मुंह बंद कर रखे हैं, जो मलाई मारे हुए हैं। मलाई का मतलब है जो पैसा खाए हुए हैं, जो पैसा खाए हुए हैं, उन्हें पद ऐसे मिले हुए हैं, मजे ले रहे हैं, उन्हें समाज भाड़ में जाओ, दलित या शोषित लोग हैं उनका फ्यूचर भाड़ में जाओ, उनके बच्चे मरो, उनकी लड़की मरो, उनका परिवार मरो, उनकी जमीन जायदाद छीनो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं, बूढ़ा हो या जवान, कसाई है तो हत्या से काम, इन्हें तो हत्या, इन्हें तो अपने मजे से लेने मतलब, और कोई मतलब नहीं चाहिए। क्या नीतीश कुमार को दलितों को वोट नहीं चाहिए, सिर्फ राजपूतों के वोट चाहिए बिहार में? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं सारी बातें वही कह रहा हूँ। उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो हमारे लोगों को जाग जाना चाहिए, हमें बहन जी का साथ देना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। यदि सेंटर में बहन जी को लेकर आते हो, बहन जी का आपने देखा होगा राज, उस राज में अच्छे अच्छे बदमाश फट्टे लगा दिए। उस समय अधिकारी सब टाइम से आते थे, उनका जैसा अनुशासन आज तक किसी नेता में ना है, ना होगा, ना है। लेकिन बिहार में लक्ष्मणपुर बातें हो या और बड़ी घटनाएं हुई हो जिनमें दलितों को मारा गया हो, सारे के सारे जो आरोपी हैं वो रिहा कर दिए गए हैं, वो सब बायस हैं। कहीं ना कहीं सरकारें बायस का काम कर रही हैं साथियों, वो केवल हमें नीचा और हमें दबाने का काम कर रही हैं साथियों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना ही बोलूँगा कि जो सरकारें हैं वो इन्हें इन लोगों को बुलाती हैं और इलेक्शन के आन टाइम पर बिल्कुल निकालती हैं इन्हें, ताकि उनके फेवर में वो काम करें, जनताओं को वोट दिलवाएं। सारी बातें वही हैं साथियों, हमारा तो नाश करने में, जब तक हमारा झंडा, हमारी पार्टी, हमारा अपना प्रधानमंत्री नहीं होगा, अपने नेता नहीं होंगे, जब तक हम इस देश में सुरक्षित नहीं हैं साथियों। सुमोटो लेता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी सुमोटो लिया उस पर, गुजरात वाले पे बिल्कुल लिया है, तो सुमोटो लिया गया है, ऐसी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने, उनकी भी सीमाएं हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीमाएं हैं, वो भी बेचारे प्रॉब्लम में आए हुए हैं। 4-4 जज जब बाहर आकर ये कहें कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट चीफ जजों की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो ही है।